हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू ई सी टी क्लासेस एंड आई एम सुमेरा विद द न्यू टॉपिक ऑन आर्टिकल्स आर्टिकल्स अब आर्टिकल्स होते क्या हैं सब ने पढ़ा है ठीक है सबको मालूम है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ठीक है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद रखने से इन फॉर्म ऑफ ट्रिक्स मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं और कुछ सेंटेंसेस में आर्टिकल यूज़ करना है और कुछ में नहीं करना है और जब करना है कौन सी चीज़ें हमें माइंड में याद रखनी है ठीक है तो वो क्या है कि आर्टिकल सिंपली सिंपली हमें एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो इससे क्या होता है कि आज के लेक्चर से आप मुझे जहाँ तक यकीन है भरोसा है कि आपको हमेशा के लिए आर्टिकल याद रहने वाला है अब सबसे पहले आर्टिकल हमारे पास जो है क्या होता है आर्टिकल एनी थिंग एनी वर्ड एनी लेटर नॉट अ वर्ड लेटर लाइक तीन लेटर है हमारे पास ए एंड द ठीक है ये इनका यूज़ हमने सीखना है ठीक है कि कहाँ कहाँ हमने इनको यूज़ करना है जैसे आर्टिकल ए एंड एन इनको बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल क्या बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और सेकेंड इज द इसको बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल ठीक है इसको बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल अब जो है हमारे पास ये आर्टिकल्स सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ ठीक है आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ अब हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल ए एंड एन है सबसे पहले अगर हम एन की बात करें वी नो दैट कि एन इज़ ऑलवेज यूज द वॉवल्स और वावल्स हाउ मेनी देर आर टोटल फाइव वॉवल्स ठीक है ए आई ओ यू ठीक है इन फाइव स के साथ हम आर्टिकल एन यूज़ करते हैं बट इट्स नॉट ऑलवेज कि हम इन्हीं के साथ क्या करें आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे नहीं ठीक like है आर्टिकल लाइक यू है अम्बरेला ही यूज एन अम्बरेला ही यूज एन अम्बरेला हमें पता चल गया कि हाँ वॉवल्स है तो हम यूज़ करेंगे एन लेकिन कुछ एक्सेप्शन है लाइक like यूनिवर्सिटी ठीक है यूनिवर्सिटी अब यहाँ देखा जाए तो इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद द यू एंड अगेन यू हेयर इज़ल लेकिन हम यहाँ पे एन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर हम करेंगे आ का यूज़ ठीक है ए का यूज़ करेंगे ठीक है अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हम लोगों ने ए यूज़ करना है एन यूज़ करना है उसके लिए क्या है एक सिंपल सी ट्रिक है याद क्या रखना है आपको जहाँ पे भी अलिफ की आवाज़ ठीक है उर्दू में बोला जाए अलिफ या हिंदी की बात की जाए अ ठीक है अ की आवाज़ आए जहाँ पे भी अ की आवाज़ आती है वहाँ पे हम आर्टिकल जहाँ पे भी आ की आवाज़ आती है वहाँ पे हम आर्टिकल की वहाँ पे हम क्या करेंगे आर्टिकल आन का यूज करेंगे ठीक है अम्ब्रेला देखा जाए तो अलिब से शुरू होता था आ से शुरू होता था तो हमने वहाँ पर एन लिख दिया यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो य से या ये से यूज़ हो शुरू होता है ठीक है ये या, या से अगर शुरू होता है हिंदी में देखा जाए तो या, या, या उर्दू में देखा जाए ये से अगर शुरू होता है तो हम वहाँ पे आर्टिकल एन नहीं बल्कि ए यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? तो इसी तरह से जब हमें किसी की जॉब की डिस्क्रिप्शन देनी है लाइक अ टीचर अ डॉक्टर ठीक है वहाँ पर हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए ठीक है इसी तरह से हमारे पास कुछ एक्सेप्शन हैं कुछ नोट्स हैं जो हमको याद रखने हैं जो भी हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं उसके साथ हमें हमेशा आर्टिकल यूज़ करना है अब क्या है लाइका अ डॉक्टर्स रिपोर्ट अ डॉक्टर्स रिपोर्ट अ ड्राइविंग लाइसेंस अ ड्राइविंग लाइसेंस हमने देखा ठीक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है के साथ हमें हमेशा क्या करना है आर्टिकल का यूज़ करना है अब वहाँ पे वो अलग सी बात है आपने फिर से साउंड का देखना है अगर वहाँ पे अलिफ की साउंड आ रही है या आ की साउंड आ रही है तो देन आपने एन यूज़ करना है अगर सिंपल है ठीक है विदाउट वॉवल साउंड है तो देन आपको क्या करना है ए का यूज़ करना है ठीक है और एक चीज़ लाइक अगर हमको एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है ठीक है हमें क्या किया है बहुत बड़ा सेंटेंस दिया है ठीक है तो उसमें क्या है जो फर्स्ट पार्ट है उस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है एज़ पर द साउंड ठीक है अब जैसे हमारे पास आई सा एंड ओल्ड वूमन एंड विद अ डॉग इन द पार्क ये मतलब वी आर मैंशनिंग दिस फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मतलब कि सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ठीक है फर्स्ट पार्ट यू टेक इट एज अ सिंपल सेंटेंस और हम बात कर रहे हैं कि ठीक है मैंने एक ओल्ड वूमन देखी और उसके डॉग के साथ देखी ठीक है तो ये क्या हो गया दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेंशन तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वी यूज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन ठीक है अब हमारे पास सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट uh, वन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसकी एग्जांपल्स हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा एग्जाम में अगर कंफ्यूज uh, करता है तो डेफिनेट आर्टिकल आसान भी है लेकिन इसको थोड़ा सा हमें एग्जांपल्स के साथ याद रखना है ठीक है अब हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है डेफिनेट आर्टिकल इज़ ओनली वन दैट इज़ दी ठीक है दी का यूज़ करना कहाँ कहाँ पे हम द का यूज़ या दी बोलो या द बोलो हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं ठीक है अब जो ये दी है मोस्टली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं सेकेंड वहाँ पे हमने देखा ए एंड एन जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द सेंटेंस में यूज़ होता था और ये जो दी है दिस इज़ यूज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस ठीक है लाइक अ मैन एंड अ वूमेन like a man and a woman sat in front of me this is the first of uh, for this is the first part of the sentence this is the first part of the sentence theek hai aur humne kya kiya yahan pe a and an as per the vowel sound humne use karna hai aur second part of the sentence theek hai jo second part of the sentence hai usme humne hamesha noun ke sath डेफिनेट uh, आर्टिकल का यूज़ करना है इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द ठीक है जैसे कि कौन सी चीज़ें जिनका हमको क्लियर है वी नो अबाउट दैट कि हाँ ठीक है वेयर आर द किड्स दे आर इन द गार्डन हम बोलते हैं कि हाँ पता है कौन से किड्स हैं और किस गार्डन में हैं ठीक है वी नो दीज थिंग्स रिमेन सर्टन जो चीज़ें चीज़ सर्टन है उनके बारे में यानी सर्टनिटी के बारे में जो भी चीज़ें सर्टन है अगर उनके बारे में बताना है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं आर्टिकल द का कर यूज़ करते हैं ठीक है जैसे कि हमारे पास यू कैन ओपन द डोर यू कैन ओपन द डोर हाउ यू कैन से दैट ओपन द डोर यानी कोई स्पेसिफिक डोर है जिसकी बात की जा रही है ठीक है तो यानी स्पेशल मेंशन हो किसी चीज का वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं और कहां पे आर्टिकल का यूज़ होगा ये याद रखना जो ओनली वन हो जो ओनली वन हो ओनली वन कि वो चीज जिसका मेंशन क्या हो एक हो जिसका एक ही जो एक ही एग्जिस्टिंग हो जैसे कि हमें पता है कैपिटल हर स्टेट की एक कैपिटल होती है ठीक है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का कर यूज़ करेंगे इसी तरह हेवनली बॉडीज़ की बात की जाए तो मून पूरे यूनिवर्स में एक है ठीक है तो हम इसको द मून मतलब यूनिवर्स की बात की जाए हमारे पर्टिकुलर अर्थ की बात की जाए तो वी हैव वन मून इसी तरह से अगर uh, किसी कंपनी की बात की जाए तो देयर रिमेन्स वन मेन मैनेजर ठीक है इसी तरह जब हम एक लेटर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल द लगाते हैं बिकॉज प्रिंसिपल रिमेन्स वन इन द होल स्कूल कॉलेज ठीक है इसी तरह से कुछ कॉमन प्लेस या टाउन जो हमारे वी नो वही बात आ जाती है सर्टन सर्टन चीज़ों के बारे में जिनका हमें श्योर है ठीक है वी यूज़ आर्टिकल दैय जैसे आई एम गोइंग टू द बैंक आई फाउंड पीटर एट द स्टेशन टू द बैंक टू द स्कूल ठीक है टू द लाइब्ररी ठीक है टू द मार्केट बिकॉज वी नो के ये चीज़ें हमको डेफिनेट है ये चीजें हमें पता है कहाँ पर है रैंडम नहीं है फिक्सेशन इज देर तो इस वजह से हम यहाँ पर आर्टिकल क्या डी का यूज करते हैं इसके साथ सुपरलीटिव कौन से हो गए हमारे पास अब सुपरलीटि क्या है जो एडजेक्टिव है हमारे पास ठीक है एडजेक्टिव की क्या है एडजेक्टिव की क्या रहती हैं फॉर्म्स रहती हैं ठीक है थीके? ही इज़ मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल ठीक है गुड बेटर बेस्ट ठीक है दीज आर द सुपरलेटिव डिग्रीज ठीक है सुपरलेटि डिग्रीज के साथ हमेशा क्या किया जाता है हमारा आर्टिकल uh, यूज़ किया जाता है कौन सा वाला द ठीक है ही इज़ द बेस्ट ही इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वन ठीक है लाइक ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट वन ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट वन ठीक है ऐसे जो sentences degree, जैसे जो सेंटेंसेज हैं जिनमें सुपर लेटिव डिग्री जैसे कंपेरिजन किया जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं इसी तरह हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन हमेशा नहीं ठीक है हमेशा कुछ चीज़ों को याद रखना है ठीक है जब वो स्पेसिफिक करके आती हैं देन वी यूज़ आर्टिकल uh, द जैसे कि लाइक uh, like, uh, मैं बोलूँ सुमेरा लाइक्स टू प्ले द गिटार ठीक है, है the guitar, the piano, the tabla, the silent, तो यहाँ पर द गिटार है द पियानो है ठीक है द गिटार द पियानो, द तबला द साइलेंट वायलिन ठीक है आप जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ आपको क्या करना है आर्टिकल द का यूज़ करना है तो फ्रेंड्स ये रही बात हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की ठीक है और इसके बाद हमेशा ही आर्टिकल्स यूज़ हों ऐसा पॉसिबल नहीं है आप कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है तो कल कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा जहाँ पे फ्लूरल नाउन uh, होगा वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे लाइक मैन वुमेन लाइक इन दिस सेंटेंस वी कैन से वुमेन ड्राइव मोर कॉशियसली देन मैन वी कट से द वुमेन कैन ड्राइव मोर कॉशियसली देन द मैन नो ठीक है प्लूरल काउंटेबल ठीक है प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं जैसे मिल्क राइस एंड वाटर दीज आर अनकाउंटेबल नाउन एंड वी वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल है कुछ कंपेरिजन अगर देखा जाए ठीक है कंपेयर अगर करना हो वही बात आ जाती है स्पेसिफिक एंड जनरल अगर आप स्पेसिफिकली बात करें यानी यू आर श्योर यू आर पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स देन यू कैन से दैट यू आर गोइंग टू यूज़ जैसे कम्पेरिजन ठीक है कम्पेयर जब चीज़ों को करना हो ठीक है जो स्पेसिफिक है उसको लेकर अगर बात की जाए तो तब हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे जैसे आई लव द म्यूज़िक आई लव द म्यूज़िक एट द पार्टी कहाँ वाला पार्टी में हो रहा या फिर स्कूल फंक्शन में हो रहा मतलब हमें पता है स्पेसिफिक प्लेस का पता है उस जगह का जो म्यूज़िक है आई लव दैट लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए आई लव म्यूज़िक नो एट दैट टाइम वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल सिमिलरली जब हमें किसी नाउन की एग्जांपल देनी हो इन जनरल करके तो जैसे चिल्ड्रन आर ऑफ़न डिफिकल्ट सो इन जनरल ये जनरल general है जनरली बात की जा रही है सो वी डोंट यूज़ आर्टिकल हाँ अगर किसी पर्टिकुलर केस में देखा जाए दे आर अ नाइस फैमिली द चिल्ड्रन आर वेरी फनी अगर यहाँ पर हम आर्टिकल को ओमिट करेंगे तो यहाँ पर क्या है इट विल भी इन करेक्ट वन सो हमने देखा कि सेंटेंस uh, को क्या किया हुआ है पर्टिकुलर पर्टिकुलर किया है एक स्पेसिफिक करके किया है सो वी यूज़ सो वी हैव टू मेक द यूज़ ऑफ आर्टिकल द हेयर और अकॉर्डिंगली आपको जब किसी चीज़ को पर्टिकुलर करते हैं ना आप कोई पूछेगा कि मैम ए क्यों नहीं यूज़ हुआ एन क्यों नहीं यूज़ हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं ना ठीक है न, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज़ करते हैं ओनली हम आर्टिकल द इज़ यूज देयर लेकिन अगर जैसे हमें फ़र्स्ट पार्ट आप स्लाइड में देखा था कि जहाँ पर इंडिपेन्डेंट आर्टिकल्स थे और फर्स्ट मेंशन ऑफ द थिंग्स था फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द सेंटेंस था उसमें हमने क्या किया था आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया था सिमिलरली हमारे पास मील्स uh, ठीक है जितनी भी मील्स हैं लंच फाइव टाइम मील्स हैं फ़ोर टाइम्स मील हैं तो उसमें क्या है हमने आर्टिकल का यूज जो है ओमिट करना है लाइक नेवर यूज़ द डिनर द लंच द ब्रेकफास्ट अ डिनर अ लंच अ ब्रेकफास्ट नो ऑलवेज ओमिट यूज ऑफ आर्टिकल विद दीज मील्स बस ईयर मंथ्स डेज देखो इसमें से एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है और ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ठीक है ये वाला पोर्शन हमारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है तो इसको फ्रेंड्स अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे एयर हमारे पास एयर मंथ ठीक है डेज नेम इनके साथ कभी भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं ठीक है इनके साथ कभी भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं एयर्स मंथ्स एंड डेज के साथ लाइक यू कंट से द फ्राइडे इज़ माई फेवरेट डे नो यू कॉन्ट से द संडे इज़ माई फेवरेट डे नो मीन्स के एयर्स मंथ्स डेज यू कैंस आर यू आर गोइंग टू से दैट आपका बर्थडे मंथ है द फेबरवरी इज़ माई फेवरेट मंथ नहीं ऐसे भी नहीं बोल सकते ठीक है ठीके? अगर हम स्पेसिफिक करके भी वहाँ पर बोलते हैं नो इन इन ऑल वी हैव टू ओमिट आर्टिकल विद एयर मंथस एंड डेज फिर इसके बाद हमारे पास टीवी को एक स्पेसिफ़िक करके बनाया हुआ है टीवी के साथ हम आर्टिकल कब यूज़ करते हैं और कब नहीं करते हैं इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जी के एस में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस पर तो अब क्या है कि अगर आप टीवी को एज़ अ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस लेते हैं जैसे मोबाइल भी एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है अगर इन जनरल देखा जाए टी को भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस देखा जाए ठीक है तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं ठीक है और कब यूज़ करेंगे टीवी के साथ आर्टिकल जब हम इसको स्पेसिफिक करेंगे ठीक है मैंने वही अगेन एंड अगेन जब किसी चीज़ को स्पेसिफ़िक किया जाता है जनरल किया जनरल नहीं जनरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लेकिन जब स्पेसिफिक करेंगे तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का कर यूज़ करेंगे जैसे आई टर्न ऑफ द टी वी आई हैव बॉट अ न्यू टी वी ठीक है तो हमने देखा यहाँ पे यहाँ पर जो है हमें टीवी के साथ ही कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है हमारे पास नेक्स्ट है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं एंड स्कूल सब्जेक्ट हैं लैंग्वेजेस एंड स्कूल सब्जेक्ट इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है ठीक है हम कभी भी लैंग्वेजेस के साथ या स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ चाहे वो आपका फेवरेट लैंग्वेज हो चाहे वो फेवरेट सब्जेक्ट हो नो

सब्जेक्ट्स के साथ वी ओमिट आर्टिकल्स इसी तरह से नेक्स्ट लास्ट ठीक है लास्ट ईयर लास्ट डेज ये जितने भी हैं हमारे पास इनके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपको क्या है ना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना अगर दो तीन बार इसको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं रहेगा लेकिन जस्ट ट्राई कि बिफोर एग्ज़ाम मतलब ये दीज आर हैंडी नोट्स टाइप तो आप इनको एक बार रिवाइज़ करेंगे कहाँ पे उमट करना है कहाँ पे यूज़ करना है कब एज अ जनरल यूज़ होगा तो वी हैव हाँ टू तो मेक द यूज़ ऑफ आर्टिकल यूज कहाँ पर नहीं करना है कहाँ पर टोटल हमको आर्टिकल का यूज जो है अवॉइड करना है तो इसको जो है एक बार आ, याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब इजली हो जाएगा दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड और uh, Uh, और आपको अब आफ्टर फिनिशिंग ऑल दीज लेक्चर्स हम लोग uh, एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो पे, जो भी हम टॉपिक्स करा रहे हैं उन पे क्या है आपको एम सी क्यूज़ मिलेंगे ठीक है तो आप बने रहिए हमारे साथ ठीक है और uh, आप अपने कमेंट दीजिए लास्ट के जो कमेंट थे कि मैंने थोड़ा साउंड का इशू था इस बार आई ट्राइड के कोई इशू ना रहे एंड स्टिल वी आर अ लर्नर तो हम चल रहे हैं सीख रहे हैं सीखते सीखते वी विल गेट द परफेक्शन सो थैंक यू आप लोगों ने सब ने कमेंट किया आप लोगों ने लाइक like किया थैंक यू वेरी मच एंड इन कमिंग लेक्चर्स आप लोगों की न, और भी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी की जाएंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़ बेस्ट ऑफ लक कीप डूइंग हार्ड वर्क मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल ओके